अनोखा जायका में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पपीते के लड्डू। पपीता हमारे पेट के लिए भी अच्छा है और हमारे सेहत के लिए भी। इसको व्रत उपवास में खाया जा सकता है। अगर पपीता पका हुआ है लेकिन मीठा ना निकले तो हम उसको किस तरह से इस्तेमाल में लें, यही आप आज रेसिपी में देखेंगे। देखिए, सीखिए और अपने परिवार को बना के खिलाइए। तो चलिए शुरू करते हैं पपीते के लड्डू। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो अनोखा जायका को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अनोखा जायका का फेसबुक पेज और वेबसाइट भी आप जरूर देखें। थैंक यू। हम एक पपीता लेंगे जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ा सा घी, चीनी, इलायची पाउडर और कोकोनट पाउडर। हम एक कढ़ाई लेंगे और एक चम्मच घी इसमें डालेंगे और कटे हुए पपीते डाल के चलाना है। अब हम कटे हुए पपीतों को चलाते हुए थोड़ी देर के लिए इनको ढककर रख देंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद बीच बीच में इनको चेक करते रहेंगे कि हमारे पपीते कढ़ाई में लग नहीं जाएं। अगर पपीते कढ़ाई में चिपक जाएंगे तो हलवे में स्मेल आने लगेगी, इस वजह से बीच बीच में हमें चलाते रहना है। जब पपीता पकने लग जाए, थोड़ा पानी सूखने लग जाए तो ढक्कन हमें हटा देना है और ढक्कन हटा के ऐसे ही चलाते हुए पकाना है। पानी जब फिर बिल्कुल सूख जाए तो धीरे धीरे मिश्रण को पलटे की सहायता से मैश करना है। उसके बाद चीनी ऐड करेंगे। पपीता हमने आधा किलो लिया था तो हम इसमें आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ऐड करेंगे। जब पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए चीनी का तो इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे और मिश्रण को दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद में ठंडा होने के लिए एक दो मिनट के लिए रख देंगे। थोड़ा मिश्रण ठंडा हो जाए तब हम इसके लड्डू बनाएंगे। अब हम इसके लड्डू बनाना तैयार करेंगे। अब हम थोड़ा सा हाथ के घी लगाएंगे। एक प्लेट में थोड़ा सा नारियल का चूरा डालेंगे, उसके ऊपर पपीते के लड्डू बना के रखेंगे। कुछ दिनों के लिए फ्रिज में भी बना के रख सकते हैं। अब हमारे पपीते के लड्डू खाने के लिए तैयार हैं।